गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स की बुक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बिहार से संबंधित पुरस्कार। तो आज हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं उन्हें वन बाई वन करके चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला पुरस्कार क्या है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे मिला है, तो डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को मिला है, बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को मिला है, जो कि बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम मतलब प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पुरस्कार की तरफ। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो डॉक्टर माधव हाड़ा। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए, तो उनकी पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखी री। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए, तो पंचरंग चोला पहर सखी री। तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। और 31वां जो है बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, तो मधु कांकरिया को। उनकी पुस्तक हम यहाँ थे, उनकी पुस्तक हम यहाँ थे। और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण जो है वो नवंबर 2022 में किया गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे पुरस्कार की तरफ, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। तो ये किसे मिला है, तो हिमकर श्याम को, जो कि सारण से हैं, बिहार के सारण जिले से हैं। तो अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 किसे मिला है, हिमकर श्याम को, जो कि बिहार के सारण जिले से हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। वर्ष 2019 में इन्हें बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी जो बहुचर्चित किताब है वह है युद्धरत हूँ मैं। इनकी बहुचर्चित किताब का क्या नाम है, युद्धरत हूँ मैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ, तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे मिला है, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को, जो कि मधुबनी से बिलोंग करते हैं, बिहार के मधुबनी से बिलोंग करते हैं। तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 जो है वो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है, जो बिहार के मधुबनी से बिलोंग करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार किसे मिला है, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार जो है वो मैथिली ठाकुर को मिला है, जो कि मधुबनी से हैं। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है वो दिया गया। अब हम आते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ, फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड किसे दिया गया है, तो नाजिया परवीन को। फ्लोरेंस नाइटिंगल जो अवार्ड है वो नाजिया परवीन को दिया गया है। अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं ये। तो नाजिया परवीन कौन है, अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ, कथाक्रम सम्मान 2022 किसे मिला है, तो ऋषिकेश सुलभ, जो कि सिवान से बिलोंग करते हैं। तो कथाक्रम सम्मान 2022 ऋषिकेश सुलभ को मिला है, जो कि बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। उनके कहानी संग्रह वसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए कौन कौन चुने गए थे, तो धीरज कुमार जो कि बेतिया से थे, वीरता के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला।
और पल साक्षी जो कि छपरा से थी, सामाजिक सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से दो लोग चुने गए, एक धीरज कुमार जो कि बेतिया से थे वीरता के लिए, और पल साक्षी जो कि छपरा से थी सामाजिक सेवा के लिए उन्हें यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। अब 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो ज्योति कुमारी जो कि दरभंगा से थी वीरता के लिए, और इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या जाना जाता है, साइकिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। हम आते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। तो सौरभ सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला। लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के ये शिक्षक हैं। तो सौरभ सुमन जो है वो लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक हैं। अब हम आते हैं ये और पुरस्कार, एक पुरस्कार और किसे मिला, तो निशी कुमारी को महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। नोट में 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। अब हम आते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को यह पुरस्कार दिया गया है जो कि मधुबनी से है। इनकी पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया जो कि मधुबनी से है, उनकी पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है, बद्री नारायण को जो कि भोजपुर से हैं, इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। किसके लिए, इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। नोट में वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। अब हम आते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली को सिवान के हैं, उनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए दिया गया। और मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी के कहानी संग्रह उड़न छू के लिए दिया गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए दिया गया। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा में नवकृष्ण एहिक को व्यंग्य संग्रह खुरचन भाईक कछमच्छी के लिए दिया गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 में मैथिली भाषा के में किसे दिया गया, डॉक्टर उदयनाथ झा को। IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब हम आते हैं बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। तो बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार क्या क्या है, तो प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। और स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद से हैं को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिव दयाल को दिया जाएगा। और बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां
पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है और एमएसएमई के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया है और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया और हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया और पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया और गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है और बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। हम आते हैं आगे की तरफ। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 17वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और आईएएस जय सिंह को स्कॉच अवार्ड और एसकेओसीएच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया है और हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता है। हम आते हैं आगे की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और धान के भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी जो कि कैमूर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित, तो पद्म पुरस्कार 2022, तो वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री 2022 आचार्य चंदना जी जो कि सामाजिक कार्य से रिलेटेड है, राजगीर विरायतन की संस्थापक हैं और दूसरे श्री सैलाब सैबाल गुप्ता जिन्हें की मरणोपरांत पद्मश्री मिला है। साहित्य और शिक्षा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका थी इनकी। अब हम आते हैं पद्म पुरस्कार 2021, तो पद्म पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 दिया गया जिसमें
बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं। तो पद्म भूषण 2021 रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। हम आते आगे की तरफ और पद्मश्री 2021 श्रीमती दुलारी देवी को, कला से रिलेटेड है, मधुबनी पेंटिंग। श्री रामचंद्र माझी कला से भोजपुरी लोक नर्तक हैं। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा से रिलेटेड हैं। और श्रीमती मृदुला सिन्हा जिन्हें कि मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा से बिलोंग करती हैं। गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। और प्रमुख कृति घरवास जो मेहंदी, इनकी प्रमुख कृति क्या थी, घरवास जो मेहंदी, जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। अब हम आते हैं आगे की तरफ, पद्म पुरस्कार 2020। तो वर्ष 2020 के लिए कुल 118 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2020, तो डॉक्टर संजय कुमार गुहा को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, श्री विमल कुमार जैन को सामाजिक कार्य के लिए, डॉक्टर शांति जैन को मरणोपरांत कला के लिए, डॉक्टर शांति राय को चिकित्सा के लिए, और श्री श्याम सुंदर शर्मा को कला के लिए, और प्रोफेसर रामजी सिंह को सामाजिक कार्य के लिए, और डॉक्टर वरिष्ठनाथ सिंह को मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, जो कि बिहार के भोजपुर जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक बिहार से संबंधित पुरस्कार यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।